दिस इज मनोज कुमारी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैज फ्रेंड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री एंड क्वेश्चन नंबर एट देखिए एटथ क्वेश्चन में क्या है बेटा अब बस स्टॉप इज वेरिकेटेड फ्रोम द रिमेनिंग पार्ट्स from द रिमेनिंग parts ऑफ द रोड अब बेटा barricaded का मतलब है अवरोध रोना, जैसे भाई रोड को रोकते वगैरह हैं तो वो रस्ते में कुछ रख देते हैं उसमें जैसे इसमें क्या कह रहा है देखो आगे पढ़ते हैं बाई यूजिंग फिफ्टी होलो कौन जैसे आपने देखा होगा कहीं भी आप रोड पे जा रहे हो तो इस तरह से जैसे कौन रखे गए हैं फिफ्टी होलो कौन रखे गए हैं इस तरह से वो रोड को बंद कर देते हैं मोर्चा करते हैं ना जैसे बेटा इस तरह से ये ऐसे रखे गए हैं कौन आपने कई बार सड़कों पे ऐसे देखा होगा ऐसे तो इसमें बस स्टोव है उसमें इस तरह से बंदी कर रखी है इस तरह से कौन से रख रखे हैं फिफ्टी ओलो कौन मेडअप ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड जो किसके बने हैं रिसाइकल कार्डबोर्ड के ईज कौन हैज बेस डायमीटर फोर्टी सेंटीमीटर और कौन का जो बेस बे, बेस डायमीटर कितना है फोर्टी सेंटीमीटर एंड ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर एंड वन मीटर बेस डायमीटर कितना है बेटा फोर्टी सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी वन मीटर इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच कोन इज टू बी पेंटेड कहता है कि यदि कोन की आउटर साइड है उसको पेंट किया जाए एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज ट्वेल्व पर मीटर स्क्वेयर और जो पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है रुपीज़ ट्वेल्व पर मीटर पर का मतलब बेटा वन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉन्स पाई लेनी थ्री पॉइंट वन फोर और अंड रूट वन पॉइंट जीरो फोर इक्वल होगा जीरो पॉइंट वन टू के अब देखिए सबसे पहले हम एक जो कोन है उसकी सेप बना लेते हैं अब जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसे ही करते हैं कहते है इसमें कौन जो है ना फिफ्टी होलोकोन्स का यूज हुआ है मेड अप ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड ईज कॉन हैज़ बेस डायमीटर मीटर फोर्टी सेंटीमीटर डायमीटर है वो कितना है फोर्टी सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कितनी है वन मीटर इफ द आउटर साइड ऑफ द ईज कोन इज टू बी पेंटेड आउटर साइड को पेंट करना है और इसकी कॉस्ट दे रखी है तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें इसकी जो चीज़ दे रखी लिख है लिख लेते हैं डायमीटर दे रखा है इसका डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है फोर्टी सेंटीमीटर डायमीटर कितना है फोर्टी सेंटीमीटर सेंटीमीटर के मीटर बना लेते हैं पहले सेंटीमीटर के मीटर बनाते हैं तो हंड्रेड से क्या कर देते हैं बेटा डिवाइड कर देते ही आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर मीटर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर मीटर ये डायमीटर है तो रेडियस बता सकते कितनी हो कितनी होगी रेडियस डायमीटर की क्या होती है हाफ होती है तो कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट टू मीटर अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे पाई आर एल तो हमारे पास क्या नहीं है एल नहीं है क्या नहीं है बेटा अपने पास एल नहीं है तो एल कितनी आ जाएगी अनरूट एच स्क्र प्लस में आर स्क्यर एल कितनी आ जाएगी अनरूट एच स्क्र प्लस आर -square. अब एच कितनी है इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा वन मीटर एच स्क्यर मतलब वन का स्क्यर आर स्क्यर मतलब जीरो पॉइंट टू का स्केयर तो वन का स्क्यर वन और प्लस में ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर और जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वन पॉइंट ये कितना आ जाएगा वन पॉइंट जीरो फोर आ जाएगा और इसमें दे रखा है किसके इक्वल है मतलब जो स्लेंट हाइट है वो कितनी आ गई जीरो आ गई बेटा हमारी स्लेंट हाइट अब सी एस ए निकालना हमने क्या निकालना है सी एस ए क्या होता है कार्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल पाई की वैल्यू कितनी लेनी है थ्री पॉइंट वन फोर तो थ्री फोर्टीन में हंड्रेड रेडियस अब रेडियस कितनी बैठा तो जीरो पॉइंट टू पॉइंट हटाया पोन में टेन और एल कितनी आ गई अपने पास वन पॉइंट जीरो टू है ना तो इसमें पॉइंट हटा लेंगे पहले तो ये पॉइंट लगा दो अब जीरो पॉइंट वन टू इसका पॉइंट हटा लो और अब में कितना कर लिया हमने हंड्रेड कर लिया अब देखो कंप्लीट तो कैंसिल हो नहीं रहा सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे वन हंड्रेड टू को टू से करेंगे टू टू जब फोर जीरो और टू वन जा टू थ्री फोर्टीन से और मल्टीप्लाई कर दो तो इसको फोर फोर जा सिक्सटीन और फोर टू जा एट इससे करो ये फोर ये जीरो और ये कितना हो जाएगा टू एक बार और करो मल्टीप्लाई थ्री से थ्री फोर जा ट्वेल्व और कितना हो जाएगा थ्री, थ्री टू जा सिक्स थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री टू जा सिक्स कितने हो गए सिक्स ये फाइव और ये टेन और थ्री और वन फोर और ये कितने हो जाएंगे सिक्स तो ये हो गया हमारे पास कितना सिक्स फोर ज़ीरो फाइव सिक्स सिक्स फोर जीरो फाइव सिक्स ये आ गया हमारे पास अब ये इतने मीटर स्क्वेयर आ गया अब इसमें कितना पॉइंट कितने के बाद पॉइंट लगा दें टू फोर और फाइव वन टू थ्री फोर और ये कितना आ जाएगा फाइव यहाँ पर तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स और ये क्या कर दे फोर वन मीटर स्क्वेयर कितना आ गया जीरो पॉइंट सिक्स फोर वन मीटर स्क्वेयर फाइव फाइव से ज़्यादा है इसमें नेक्स्ट वन ऐड कर सकते हैं बेटा तो ये आ गया हमारा कार्ड सरफेस एरिया क्या आ गया कार्ड सरफेस एरिया इस तरह से ये कार्ड सरफेस एरिया आ गया बेटा अब ये एक कोन का आया है तो हमें कि, निकालने कितने गए फिफ्टी कोन्स के तो हम क्या कहेंगे सी एस से ओ फिफ्टी सच कोन सी एस ए फिफ्टी सच कोन्स फिफ्टी का कितना हो जाएगा फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट सिक्स फोर वन अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और फाइव से फाइव फंजा फाइव फाइव जा फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी और फाइव सिक्स जा थर्टी और टू कितने थर्टी टू और तीन के बाद लगा देंगे पॉइंट तो ये कितना आ जाएगा जीर, जीरो जीरो मीटर स्क्वेयर यह आ जाएगा अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन वन मीटर स्क्र वन मीटर स्क्वेयर पे कितनी दे रखी बेटा ट तो जो आंसर आया है उसमें कितनी होगी कोस्ट ऑन कितने थर्टी टू पॉइंट जीरो मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू थर्टी टू पॉइंट जीरो फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व से करो मल्टीप्लाई ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी कैरी के सिक्स और ये सिक्स आ गया ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स और टू कितने हो जाएंगे थर्टी एट तो ये आ जाएगा थ्री एट्टी फोर प्वाइंट सिक्स जीरो ये क्या आ गया हमारा आंसर तो इस क्वेश्चन में क्या करना था पहले तो हमने सी एस से निकाला एक कौन का ऐसे कौन फिफ्टी थे फिफ्टी का निकाला वन मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट दे रखी थी रुपीज ट्वेल्व तो जो आंसर आया है उसकी कितनी होगी उससे कर दिया हमने मल्टीप्लाई जिससे हमारा आंसर आ गया थ्री एट्टी फोर प्वाइंट सिक्स जीरो ये क्या आ गया हमारा आंसर तो बड़ा ईजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप सभी को समझ में आ जाए एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो